कि हमारे बच्चों को पहले अगर राजस्थान में घुमाएं ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि राजस्थान का क्या कितना महान इतिहास है। आज उस इतिहास की एक कड़ी के अंदर हम लोगों को ये इतना बड़ा सौभाग्य आपने दिया कि हम उनके परिवार से भी मिल सके जिन लोगों ने वीर अमर सिंह जी के उस यात्रा में जब वो कूद के उसमें से उतरे और बने उसके बाद जो उनके चुना भोगा गया था उसके बाद उस आगरा के किले से उनको निकाल के वापस ले जाने का काम जिन परिवारों ने किया, ऐसे लोगों से मुझे मुलाकात करने का मिलने का मौका मिला। मैं सबको बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि राव अमर सिंह जी के जो परिवार थे उनके परिवार बापू जी चंपावत के परिवार, बाबू सिंह जी खुंपावत के परिवार, गिरधर जी व्यास के वंशज, अजी मोहम्मद तोप जी के वंशज और आपके जेतारिया सरदार के चांदो जी के उदावत के सब लोगों के मेरे परिवार के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला और मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। इतना ही मैं आपको कहूंगी कि ये तो शुरुआत है और मैं चाहूंगी कि पूरे राजस्थान के अंदर ये सब अपने काम पूरे हो जाएं आज इतने छोटे समय के अंदर, क्योंकि दो दिन पहले की बात है आपने कहा चलिए, मैंने कहा चलो अपन आ गया, मेरे काम तो कर रही है, परंतु इतने छोटे समय में इतने सारे लोगों को आपने इकट्ठा करके अमर सिंह जी के नाम को रोशन करने का ये कार्यक्रम बनाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ ही दिन पहले, दो दिन पहले बजट आपका पास हुआ है। बजट के ऊपर हमको 3 महीने लगे, मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, क्योंकि पैसे जितने कम होते हैं आप सब जानती हो कि घर में जब 100 रुपए आता है तो उसको किस तरीके से खींचतान करके सबके बीच में बांटने का कितनी मुश्किल होती है, यही मुश्किल मेरे को देखना पड़ा और इस मुश्किल को किस तरीके से संभाल के हमने पूरा किया वो तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सब लोग उसमें खुश होकर निकले। यहाँ नागौर के अंदर 3000 करोड़ के आपके पानी का काम हो रहा है, क्या समझिए कितना बड़ा काम है। इसी तरीके से लगभग 400 करोड़ के कुचामन लाडनू मकराना डिगवाना नागौर के अंदर जो जल वितरण और आपके ड्रेनेज का कार्यक्रम है वो हो रहा है। 2014-15 से शुरू हुए जो कार्य है नागौर जिले के अंदर 3300 करोड़ के रोड्स इधर उधर बन रहे हैं। मैंने सबको कहा कि कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जिसके यहाँ 1 से 12 का स्कूल का क्रमोन्नति नहीं होगी, कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके यहाँ ग्रामीण गौरव पथ बनेंगे, कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो मिसिंग लिंक्स है वो बनेंगे, कहीं ना कहीं आपको पानी मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके 33 KV 132 KV ये आपके बिजली के यंत्र लगेंगे, कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ काम करने का देने का अगर लोगों ने सोचा है और मैं समझती हूँ कि ये आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैं सबको ये कहती हूँ कि ये आसान समय नहीं था, परंतु सबसे मुलाकात करके निचोड़ निकाल के हम लोगों ने बजट बनाया। हमने बैठ के जयपुर के अंदर अपने दिमाग से ये बजट नहीं बनाया, सबसे पूछने के बाद फिर उसको जमीन पे लाने की कोशिश की। मुश्किल काम था, परंतु जब मैं आपकी शक्लों को देखती हूँ और जब आपके बीच में आती हूँ और जब आपके खुशी को छूती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ तो काम अच्छा ही हुआ। इसीलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपको बहुत सारा मेरा प्यार और भगवान करे कि आप और आपके परिवार अच्छे फले हैं फूले हैं, सब कुछ अच्छा हो। कलेक्टर साहब से मैंने यही बात कही कि सिटी के अंदर अपने को थोड़ा सा पैसा मिलने वाला है तो वो जो पानी के एरिया से उसको ड्रेन नहीं करें, ड्रेन न करके उसको साफ करें तो आगे चल के उसके चारों ओर उसके वॉकिंग ट्रैक्स हो जाए, अरे शहर सुंदर देखने लगे, पेड़ लगा गए हैं अच्छा लगे, तो ड्रेन करके उसको फिर गड्ढा बना के रखने से कोई मतलब नहीं, अगर उसको साफ करके उसके वॉकिंग ट्रैक बना के और अच्छे अच्छे रोड उसके चारों ओर बन जाते हैं तो उसका फायदा आपको सिटी के अंदर मिलेगा। और ये कहने को होगा आपको कि आने वाले समय के अंदर हमारी सिटी ग्रीन और क्लीन सिटी हो जाए। अब क्लीन सिटी सिर्फ कलेक्टर नहीं बनाएंगे, क्लीन सिटी हम सब मिलके करेंगे।